हेलो फ्रेंड्स, आई एम पुष्पन। दोस्तों, आज का जो हमारा लेक्चर है ये कॉन्स्टिट्यूशन का लेक्चर होगा। अभी तक जो हम पढ़े थे वो लॉर्ड माउंटबेटन योजना, इटली की जो घोषणा था उस वहां तक जो है हम जान चुके थे। आज जो हम जानेंगे लॉर्ड माउंटबेटन की जो है योजना क्या थी उसके बारे में जो है हम यहाँ पे जानने का प्रयास करेंगे। तो चलते हैं लॉर्ड माउंटबेटन योजना के बारे में कुछ फैक्ट्स जो हम जानने का प्रयास करेंगे। यहाँ पे लॉर्ड माउंटबेटन योजना की एक प्रकार से उद्देश्य ये था कि ये योजना जो एक प्रकार से यहाँ पे आई थी, तो 22 मार्च की बात है। 22 मार्च 1947 ईस्वी को 34वें जो थे वो वायस राय बन करके यहाँ पे लॉर्ड माउंटबेटन भारत में आए और लगभग 2 महीनों तक इन्होंने वार्ता की इधर उधर यहाँ के लोगों से, जो उच्च एक प्रकार से राजनीतिज्ञ थे उन लोगों से वार्ता की। वार्ता करने के बाद में ये निष्कर्ष पर पहुंचे कि भारत और पाकिस्तान का जो है विभाजन किया जाना तय है। हालांकि गांधी जी ने जो है इस विभाजन का विरोध किया। उन्होंने कहा कि मोहम्मद अली जिन्ना को जो है प्रधानमंत्री बना दिया जाए और जो ये मतलब भारत का एक प्रकार से विभाजन न किया जाए। लेकिन मौलाना अबुल कलाम आजाद भी भारत विभाजन के पक्ष में नहीं थे, लेकिन जवाहरलाल नेहरू और सरदार पटेल ने जो है इस विभाजन के एक प्रकार से पक्ष में हो गए और मतलब कहा कि मौलाना अब्दुल कलाम सॉरी मोहम्मद अली जिन्ना को प्रधानमंत्री नहीं बनाया जाएगा। ये जो इसके पक्ष में हो गए तो अब भारत और पाकिस्तान का जो है बंटवारा तय हो गया। इसके द्वारा कई शर्तें रखी गई थी जिसे के द्वारा जो है प्रकार से भारत और पाकिस्तान का जो है विभाजन हो गया था। इस योजना के अंतर्गत जो है इसमें कई तथ्य रखे गए थे कि कोई मतलब देसी रियासत तय करेगी कि वो भारत में मिलना चाहे तो भारत में मिल सकती है और पाकिस्तान में जाना चाहे तो पाकिस्तान में जा सकती है। वो स्वतंत्र है, जिसमें चाहे उसमें मिलना वो मिल सकती है। और पंजाब बंगाल तथा असम के बंटवारे की जो एक प्रकार से सीमा का गठन जो है ये एक प्रकार से किया जाएगा और कोई देसी रियासत मिलना चाहे तो मिले या नहीं मिलना चाहे तो ना मिले। सिंध बलूचिस्तान प्रांतीय विधानमंडल सीधे निर्णय लेंगे। सिंध और बलूचिस्तान जो ये थे प्रांतीय विधानमंडल, इनके जो है सीधे निर्णय लेंगे कि ये भारत में सम्मिलित होना चाहेंगे या नहीं होना चाहेंगे। बंगाल विधान में पंजाब विधानसभा 2 भागों में विभाजित कर दिया था। बंगाल एवं पंजाब को इनको 2 भागों में विभाजित कर दिया गया था। एक प्रकार से आधा जो है एरिया चला गया था, मुस्लिम बहुल जो थे क्षेत्र चला गया था पाकिस्तान में चला गया था और जो हिंदू मतलब मुस्लिम बहुल नहीं था उसको जो है भारत में मिला लिया गया था। अब लॉर्ड माउंटबेटन के जो है 22 मार्च 1947 को एक प्रकार से ये जब भारत आए थे तो ये अंतिम गवर्नर जनरल अंतिम ब्रिटिश गवर्नर जनरल कह सकते हैं ये थे, ये अंतिम ब्रिटिश गवर्नर जनरल थे। और कहने का मतलब है इसके बाद स्वतंत्र भारत के जब भारत आजाद हुआ तो स्वतंत्र भारत के पहले जो गवर्नर जनरल थे वो श्री राजगोपालाचारी जो एक प्रकार से चक्रवर्ती राजगोपालाचारी थे। तो इसकी लॉर्ड माउंटबेटन योजना जो थी उसके बारे में अब हम जानने का प्रयास करेंगे। जो इम्पोर्टेंट है आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं हम आपको वो यहाँ पे देने का प्रयास करेंगे। डिटेल में हम नहीं जाएंगे, जितना आपके एग्जाम में पूछा जाता है क्वेश्चन जिस टाइप से वो चीजें हम आपको बताने वाले यहाँ पे हैं। बाकी आप पढ़ सकते हैं कहीं से भी, बुक से आप हेल्प ले सकते हैं, लेकिन पढ़ने का तो है कहीं इंटरनेट पर भी आप चले जाइए वहाँ पे भी आपको बहुत सारा मटेरियल मिल जाएगा, लेकिन एक कलेक्शन नहीं मिलेगा आपको कि जो एग्जाम में पूछा जाता है वो कलेक्शन आपको बहुत ही कम जगहों पर मिलेगा। तो उस कलेक्शन को हम यहाँ पे लेकर आए हैं आपके सामने। तो चलते हैं हम पहला इसका माउंटबेटन योजना के बारे में कुछ फैक्ट्स जानते हैं। लॉर्ड माउंटबेटन योजना जो थी ये माउंटबेटन योजना ये 3 जून 1947 को एक प्रकार से पेश की गई थी। इस योजना के पहले जो है 22 मार्च 1947 को भारत के अंतिम गवर्नर जनरल मतलब गवर्नर जनरल को वायस राय बना दिया गया था। तो वायस राय जो थे वो लॉर्ड माउंटबेटन जो भारत में आए थे कब 22 मार्च 1947 को, और 3 जून 1947 को इन्होंने माउंटबेटन योजना प्रस्तुत की थी। एग्जाम में कभी क्वेश्चन पूछा जाए कि माउंटबेटन योजना किससे संबंधित है, भारत पाकिस्तान के विभाजन से संबंधित है।
और भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाए, इटली का घोषणा पत्र, वेबर योजना और कई सारे मतलब क्रिस्ट मिशन, कैबिनेट मिशन, और यहाँ पे दे दें लॉर्ड माउंटबेटन योजना, इनमें सबसे इनका सीरियल वाइज रखिए, तो सीरियल वाइज भी इनका आप रख सकते हैं। हमने जो है आपको बता दिया कैसे क्या करना है, कौन किसके पहले आया था, लॉर्ड माउंटबेटन योजना इन सभी के बाद आई थी, वेबर योजना के बाद आई, और उसके बाद कह सकते हैं दूसरी क्रिप्स मिशन, कैबिनेट मिशन, इसके ये सब पहले आए थे। सबसे पहले जो आया था वो क्रिप्स मिशन आया था, फिर कैबिनेट मिशन आया था, वेबल योजना आई थी, उसके बाद ये माउंटबेटन योजना आई, इटली का घोषणा पत्र माउंटबेटन योजना के पहले आया था। तो यहाँ पे हम जानेंगे 22 मार्च 1947 को वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन जो है भारत जो है इनका आगमन हुआ, और 3 जून को इन्होंने अपनी योजना प्रस्तुत की। 22 जून 1947 रियासती मंत्रालय, रियासती मंत्रालय की मतलब एक प्रकार से रियासती मंत्रालय के एक प्रकार से गठन किया गया, और 4 जुलाई 1947 ईस्वी को कहने का मतलब है ये क्या हुआ था, रियासती मंत्रालय 4 जुलाई 1947 ईस्वी की बात है कि भारत में स्वतंत्रता विधेयक ब्रिटिश संसद में प्रस्तुत किया गया था, मतलब 4 जुलाई को यह स्वतंत्रता विधेयक प्रस्तुत कर दिया गया था भारत में, भारत के द्वारा, और 18 जुलाई 1947 ईस्वी को भारतीय स्वतंत्रता विधेयक ब्रिटिश संसद में पारित हुआ था। 4 जुलाई को यह भारत में पेश किया गया, 18 जुलाई को यह ब्रिटिश संसद में पास कराया गया, जब ब्रिटिश संसद में पास होगा तभी आपको हम जो है स्वतंत्र करेंगे। 14 अगस्त 1947 ईस्वी को पाकिस्तान का जो है निर्माण कर दिया गया, 14 अगस्त 1947 ईस्वी को पाकिस्तान बना दिया गया, और उसके बाद 15 अगस्त 1947 ईस्वी को स्वतंत्र भारत, भारत जो होगा वो क्या हुआ, स्वतंत्र हुआ। माउंटबेटन योजना 3 जून 1947 ईस्वी को रेड क्लिफ आयोग जो थे भारत और पाकिस्तान की सीमा रेखा जो है एक प्रकार से किसने, रेड क्लिफ आयोग के द्वारा जो है भारत और पाकिस्तान की सीमा जो है वो निर्धारित की गई थी। रेड क्लिफ के एक प्रकार से ये मतलब आयोग थी गठित की गई थी। भारत में अगर जो हम बात करें, भारत और पाकिस्तान का इसके द्वारा जो है विभाजन हो गया था, रियासती मंत्रालय 22 जून 1947 ईस्वी को आई थी, मतलब रियासती मंत्रालय का गठन जो किया गया 22 जून 1947 ईस्वी को प्रकार से गठन किया गया, अध्यक्ष जो थे सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। कार्य इसका था देशी रियासतों का भारतीय संघ में विलयीकरण करना। रियासती मंत्रालय इसलिए बनाया गया था जितनी देशी रियासतें थी जो भारत में विलय होना चाहे वो विलय हो सकती है, नहीं विलय होना चाह रही थी उनको प्रेशर डाल के जो है विलय कराया गया था। हैदराबाद को जो प्रकार से सैन्य कार्यवाही करके जो है विलय करवाया गया था। भारत का स्वतंत्रता अधिनियम जो था वो 4 जुलाई 1947 ईस्वी को पेश किया गया था। 4 जुलाई 1947 ब्रिटिश संसद में यह कब प्रस्तुत किया गया था, मतलब ब्रिटिश संसद के सामने 4 जुलाई 1947 ईस्वी को प्रस्तुत किया गया था। 18 जुलाई 1947 ईस्वी को ये संसद में स्वीकृति इसकी इसको मिल गई थी। एक्ट के तहत जो है भारत पाकिस्तान को विभाजित कर दिया गया था, और इसमें एक प्रकार से विभाजन के जो डायरेक्टर थे वो बीपी मेमन डायरेक्टर थे। इस अधिनियम के प्रमुख प्रावधान कौन थे, भारत को एक मतलब भारत जो होगा वो स्वतंत्र क्या होगा, देश होगा। पाकिस्तान क्या होगा, एक स्वतंत्र देश होगा। देशी रियासतों के अधिकार होगा कि वे अपने रियासत को या तो स्वतंत्र घोषित करें, घोषित कर सकते हैं, मतलब वो अगर जो किसी में नहीं मिलना चाहें तो अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर सकते हैं। उनके संबंध ब्रिटिश साम्राज्य से उसी तरह से बने रहेंगे जैसे पहले थे, ये हालांकि एक चाल बीन की थी तो राज शासन करने की, तो मतलब अंग्रेजों की कह सकते हैं, इसीलिए हैदराबाद को सैन्य कार्यवाही से जो है विलय करवाया गया था। पाकिस्तान निर्माण जो हुआ था वो 14 अगस्त 1947 ईस्वी को हुआ था। 14 अगस्त 1947 ईस्वी को रात्रि को पाकिस्तान पे सत्ता जो है मतलब रात्रि में उसको जो है पाकिस्तान को सत्ता दे दी गई थी। प्रधानमंत्री जो थे लियाकत अली को जो है प्रधानमंत्री वहां का बनाया गया था। 15 अगस्त 1947 ईस्वी को मतलब जो है भारत आजाद हुआ था। स्वतंत्र भारत में जो है 542 देशी रियासतें थी, 542 देशी रियासतें थी, 539 ने स्वेच्छा से अपना विलय जो है भारत संघ में कर दिया था। 547 में से 542 में से 539 ने स्वेच्छा से कर दिया था,
लेकिन कौन कौन सी रियासतों ने, तीन रियासतें जो थी नहीं विलय हो रही थी, हैदराबाद, जूनागढ़ और जम्मू कश्मीर ने विलय नहीं होने का प्रस्ताव पास किया कि हम नहीं विलय होंगे। तो जूनागढ़ का जो है जुलाई 1947 ईस्वी में इसका विलय कराया गया, इसको जनमत संग्रह के द्वारा जूनागढ़ को विलय कराया गया था। जम्मू कश्मीर को जो है 26 अक्टूबर 1947 को विलय करवाया गया था, विलय पत्र के द्वारा इसको विलय करवाया गया था। मतलब वहां के जो राजा थे एक प्रकार से, तो महाराजा हरि सिंह जो थे उन्होंने जो है एक प्रकार से विलय पत्र पर हस्ताक्षर किए थे, तब ये विलय हुआ था 26 अक्टूबर 1947 ईस्वी को। हैदराबाद जो हुआ था वो 9 नवंबर 1947 ईस्वी को सैन्य कार्यवाही करके इसको जो है विलय किया गया था। यहाँ का जो निजाम जो है विलय करने से मना कर रहा था। 1947 ईस्वी में जूनागढ़ जनमत संग्रह के द्वारा तहत जो है भारत में शामिल हो गया था। 26 अक्टूबर 1947 जम्मू कश्मीर ने विलय पत्र पर हस्ताक्षर करके भारत में एक प्रकार से शामिल हुआ था। पाकिस्तान जो था जम्मू कश्मीर को अपने देश में मिलाना चाहता था, इसीलिए पाकिस्तान ने जम्मू कश्मीर पे हमला कर दिया और जम्मू कश्मीर के जो राजा थे महाराजा हरि सिंह अपने मंत्री शेख अब्दुल्ला को भारत भेजा था। इन्होंने अपने मंत्री शेख अब्दुल्ला को इन्होंने भारत भेजा और भारत सरकार की मदद के लिए एक शर्त रखी और विलय पत्र के तहत जम्मू कश्मीर को इसमें जो है शामिल हो गया था। नवंबर 1947 ईस्वी को हैदराबाद जो है प्रकार से विलय हुआ था और सैन्य कार्यवाही करके इसको जो है शामिल किया गया था। हैदराबाद का जो निजाम था भारत में शामिल नहीं होना चाहता था, इसलिए जो है भारत सरकार ने हैदराबाद को सैन्य कार्यवाही के तहत जो है भारत में जो है इसको विलय किया था। माउंट बेटन योजना, फिगरल वाइज हम यहाँ पे देख लेते हैं। माउंट बेटन योजना 3 जून 1947 ईस्वी को आई थी। कहाँ से ये चीजें हुई थी, ये सब दिल्ली में हुई थी। 14 अगस्त 1947 ईस्वी को पाकिस्तान का निर्माण हुआ था और 22 मार्च 1947 ईस्वी को अंतिम वायसराय जो लॉर्ड माउंटबेटन जो है इनका भारत में आगमन हुआ था। मतलब 3 जून 1947 ईस्वी लॉर्ड माउंटबेटन जो है योजना प्रस्तुत की गई थी और यहाँ पे 18 जुलाई 1947 ईस्वी को इसको जो है मतलब पारित कर दिया गया था हाउस ऑफ का लॉर्ड ऑफ हाउस कॉमन से। और 22 जून 1947 को रियायती मंत्रालय बना था, याद रखना 22 जून 1947 ईस्वी को रियायती मंत्रालय बना था। कभी क्वेश्चन में पूछा जाए कि बोलिए लॉर्ड माउंटबेटन जो है प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था कब, रियायती मंत्रालय के पहले या बाद में, तो हमेशा याद रखना पहले जो है प्रस्तुत किया गया था, बाद में पारित हुआ था। रियायती मंत्रालय जो है उसके बाद 15 अगस्त 1947 ईस्वी को भारत स्वतंत्र हुआ था। लंदन में जो है 4 जुलाई 1947 ईस्वी को विधेयक प्रस्तुत किया गया था। 18 जुलाई 1947 ईस्वी को पास हुआ था भारत स्वतंत्रता विधेयक जो था वो ब्रिटिश संसद में ये पारित किया गया था 18 जुलाई 1947 को। राष्ट्रीय प्रतीक चिन्हों की अगर जो हम बात करेंगे, अब यहाँ पे इस टॉपिक में हम सैन्य संवैधानिक मान्यताओं की बात करेंगे। भारत के राष्ट्रीय प्रतीक क्या है, राष्ट्रध्वज तिरंगा क्या है, जनगण राष्ट्रगान क्या है, वंदे मातरम क्या है, इनके बारे में जानेंगे और राष्ट्रीय चिन्ह के बारे में जानेंगे, अशोक चिन्ह, राष्ट्रीय कैलेंडर के बारे में जानेंगे, कांग्रेस के महत्वपूर्ण अधिवेशन जो हुए उनके बारे में जानेंगे। तो राष्ट्रीय प्रतीकों के बारे में सबसे पहले हम जानते हैं संवैधानिक मान्यता इनकी क्या है। तो 22 जुलाई 1947 ईस्वी को राष्ट्रीय ध्वज जो है पिंगली वैंकैया ने जो है क्या किया था, इसको रचनाकार की थी, इसकी रचना की थी, इसको बनाया था 22 जुलाई 1947 ईस्वी को राष्ट्रीय ध्वज को। और 24 जनवरी 1950 ईस्वी को राष्ट्रगान जो है रविंद्रनाथ टैगोर ने एक प्रकार से क्या किया था, ये राष्ट्रगान को स्वीकार किया गया था। ये तिथि दी गई है कि रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा लिखित मतलब राष्ट्रगान है वो 22 जनवरी 1950 ईस्वी को स्वीकार किया गया था। और इसी दिन जो एक प्रकार से बात कर रहे हैं, अगला जो है मतलब ये 24 जनवरी 1950 था और दूसरा जो है था 26 जनवरी 1950 को, इसी दिन राष्ट्रगीत और राष्ट्र चिन्ह दोनों स्वीकार किए गए थे। किसने लिखा था, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने लिखा था
चटर्जी भी इनको बोल देते हैं। तो बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने 26 जो राष्ट्रगीत और राष्ट्रीय चिन्ह जो है दिया था उसको 26 जनवरी 1950 को इसका स्वीकार किया गया था। मतलब राष्ट्रगीत जो है बंकिम चंद्र चटर्जी ने जो है दिया गया था, राष्ट्रीय चिन्ह जो है वो एक प्रकार से हमारा क्या अशोक स्तंभ है, तो उसको जो है यहाँ से स्वीकार किया गया। राष्ट्रीय चिन्ह 26 जनवरी 1950 को स्वीकार किया गया था। 22 मार्च 1947 ईस्वी को राष्ट्रीय कैलेंडर जो है स्वीकार किया गया था। और 5 अक्टूबर 2009 ईस्वी को राष्ट्रीय जलीय जीव जो है वो डॉल्फिन को घोषित किया गया। किसको घोषित किया गया? डॉल्फिन को राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित कर दिया गया। इसके जो है आवाज को एक प्रकार से खतरा होने पर जो है इसको जो है जलीय जीव घोषित कर दिया गया। राष्ट्रीय जो हमारा तिरंगा है, राष्ट्रीय चिन्ह जो है वो अशोक की लाट है, और राष्ट्रीय पशु जो है वो हमारा बाघ है, और राष्ट्रीय विरासत पशु जो है याद रखना राष्ट्रीय विरासत पशु हाथी है। राष्ट्रीय मतलब जलीय जीव जो हमारा राष्ट्रीय है वो गंगा की डॉल्फिन जो है वो राष्ट्रीय जलीय जीव है। पक्षी जो है राष्ट्रीय हमारा वो मोर है। पुष्प जो राष्ट्रीय है हमारा वो कमल है। वृक्ष जो है हमारा बरगद का पेड़ है। राष्ट्रीय फल की बात करें तो वो आम है। राष्ट्रीय खेल जो है एक प्रकार से राष्ट्रीय खेल जो है वो हॉकी है। इसका प्रतीक चिन्ह कोई नहीं है। राष्ट्रीय खेल क्या है? हॉकी है। इसका कोई प्रतीक चिन्ह नहीं है। राष्ट्रभाषा का कोई प्रतीक चिन्ह नहीं है, लेकिन हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है, इसका कोई प्रतीक चिन्ह होता ही नहीं है। क्या प्रतीक चिन्ह लोगे? संघ की जो राजभाषा क्या है? संघ की राजभाषा का जो प्रतीक चिन्ह है वो हिंदी है, और एक प्रकार से अनुच्छेद 343 में ये प्रतीक चिन्ह नहीं है। संघ की जो राजभाषा है, संघ में जो बोली जाने वाली राजभाषा है वो हिंदी है। इसका अनुच्छेद 343 में जो है वर्णन किया गया है। राष्ट्रीय वाद की जो हमारा है सत्यमेव जयते है, कहाँ से लिया गया? मंडकोपनिषद से जो है इसको लिया गया है। मंडकोपनिषद से लिया गया है। राष्ट्रीय नदी जो है गंगा है। पंचांग जो हमारा है शक संवत है। ईसा मसीह के 78 वर्ष बाद, ईसा मसीह के जन्म के 78 वर्ष बाद जो है शक संवत आया था, और 57 साल पहले विक्रम संवत स्टार्ट किया था। जो है विक्रमादित्य ने जो है शकों को पराजित कर एक प्रकार से जब उज्जैन को जीता था तब विक्रम संवत स्टार्ट किया था, और शक संवत 78 ईस्वी बाद आया था। ईसा मसीह के 78 ईस्वी बाद आया था। विक्रम संवत और शक संवत के बीच में अंतर जो है वो कितना है? विक्रम संवत और शक संवत के बीच में जो अंतर है वो 135 साल का अंतर है। हर्ष संवत जो आया था वो 634 ईस्वी बाद आया था ईसा मसीह के जन्म के बाद। इसके बाद जो है राष्ट्रीय राष्ट्रगान की बात करें तो जनगण मन अधिनायक जय है, जो एक प्रकार से रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा लिखित है। वंदे मातरम राष्ट्रीय गीत हमारा बंकिम चंद चटर्जी चटर चट्टोपाध्याय भी बोलते हैं, उन्होंने लिखा है। और राष्ट्रीय पेय वाक्य जो हमारी है वो चाय हो गई है। हालांकि ये चाय भारत से नहीं है, चाय अंग्रेजों की एक प्रकार से यूरोपियों की देन है। तो राष्ट्रीय पेय पदार्थ जो हमारा हो गया है वो चाय हो गया है। 17 अप्रैल 2013 को इसको जो है प्रस्तावित कर दिया गया राष्ट्रीय पेय पदार्थ। और राष्ट्रीय ध्वज जो हमारा है वो तिरंगा है, और संविधान की द्वारा जो है प्रकार से इसको मान्यता प्राप्त है। 22 जुलाई 1947 ईस्वी को इसे अपनाया गया था। रचनाकार जो थे इसके पिंगली वैंकैया जो है रचनाकार है, और इसकी लंबाई चौड़ाई का अनुपात जो है 3:2 है। 3 फुट की जो सॉरी 3 फीट नहीं है, 3 मीटर का, अगर 3 मतलब कोई यूनिट है जो लंबाई की है और 2 यूनिट जो है वो चौड़ाई की है। ये चक्र जो है ये अशोक स्तंभ से लिया गया चक्र है। 24 तीलियां हैं इसमें, कभी कभी एग्जाम में क्वेश्चन पूछ देते हैं। 31 दिसंबर अगला जो हमारा है प्रमुख घटनाक्रम क्या थे? 31 दिसंबर 1929 ईस्वी को कांग्रेस का जो अधिवेशन हुआ था वो कहाँ पे हुआ था? लाहौर में हुआ था, और पहली बार तिरंगा यहीं पर ये फहराया गया था।
1929 में तिरंगा फहराया गया था और घोषणा की गई थी कि 26 जनवरी 1930 को भारत को क्या कर देंगे, भारत मतलब हम स्वतंत्रता दिवस मनाएंगे, भारत को जो है स्वतंत्रता मिल जाएगी। 1930 को इन्होंने स्वतंत्रता दिवस मनाने की बात यहाँ पे की थी। 22 जुलाई 1947 को इसकी संवैधानिक मान्यता है। 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्र भारत को पहली बार इन्होंने यहाँ पे तिरंगा फहराया गया था 15 अगस्त 1947 को। 22 जुलाई 1947 जो है प्रकार से ये क्या संवैधानिक मान्यता है तिरंगा फहराने की, क्योंकि ये 22 जुलाई को क्या किया गया था, अपनाया गया था 22 जुलाई 1947 को। उसके बाद संरचना क्या है, वस्त्र इसका जो होना चाहिए वो खादी वस्त्र होना चाहिए। अनुपात जो होना चाहिए 3:2, मतलब 3 जो है कोई यूनिट हो सकती है, 3 मीटर भी हो सकता है, 3 फुट भी हो सकता है, 3 कोई भी यूनिट हो सकती है। 3 का मतलब यहाँ पे 3 है, 3 का मतलब है 3 का मल्टीपल हो तो इस, और 2 का मल्टीपल हो, 2 के गुणा कर दीजिए 3 का गुणा कर दीजिए। अब यहाँ पे 3:2 है, अगर जो 1 से गुणा करोगे तो इतना आ जाएगा, 2 से गुणा करोगे तो 6:4 कितना आएगा, 4। इस अनुपात में जो है होना चाहिए, या तो होना चाहिए 9:6 के अनुपात में हो, या तो किस रेशियो में हो, 4 का मल्टीपल करेंगे तो ये 12:8 के अनुपात में हो। इस तरह से जो है मतलब इसकी लंबाई चौड़ाई ली जानी चाहिए। रंगों का महत्व तो देख लीजिए, केसरिया जो रंग है वो शौर्य का प्रतीक है, शौर्य और बलिदान का कह सकते हैं प्रतीक है, और सफेद रंग जो है वो शांति का प्रतीक है, हरा रंग जो है समृद्धि या हरियाली का खुशहाली का प्रतीक है। अशोक चक्र की बात करें तो धर्म चक्र या विधि चक्र भी इसको हम बोलते हैं, बोला जाता है, और प्रतीक जो था ये निरंतर समृद्धि है, इसका प्रतीक जो है वो कंटिन्यूअस क्या है, ग्रोथ, ये प्रकार से बात कर रहे हैं। और प्रारूप जो था मौर्य सम्राट अशोक द्वारा सारनाथ में स्थापित शीर्षक के चक्र से जो है इसको लिया गया है, शीर्ष फलक से जो इसको लिया गया है। इसमें 24 तीलियां हैं, रंग इसका जो है क्या है, गहरा नीला रंग है, चक्र का नीला रंग है। झंडे में कितने रंग हैं, 3 रंग माने गए हैं, लेकिन इसमें 4 रंग एक प्रकार से दिखते हैं, जैसा कि आप देख रहे हैं, एक रंग ये है, एक रंग ये है, एक रंग ये है, और ये की रंग है, तो 4 रंग हैं। राष्ट्रीय गान जो है वो जनगण मन अधिनायक जय, मतलब इसके बारे में अगर जो बात करें तो संविधान द्वारा इसको 24 जनवरी 1950 ईस्वी को मान्यता प्राप्त की गई, मतलब इसको अपनाया गया, और इसकी लैंग्वेज जो थी वो बंगला भाषा में एक प्रकार से लैंग्वेज थी। रचनाकार इसके रविंद्रनाथ टैगोर थे, संगीतकार जो थे ये रविंद्रनाथ टैगोर भी इसके संगीतकार भी थे, और पद इसका क्या है, 5 इसमें पद हैं, और गायन अवधि जो है वो 52 सेकेंड में इसको गाना चाहिए, संक्षिप्त गायन विधि इसको 20 सेकेंड में, विशेष अवसर पर प्रथम और अंतिम पंक्ति का गा सकते हैं, मतलब पहली पंक्तियां और अंतिम पंक्तियां आप इसकी गा सकते हैं, कितने सेकेंड में, 20 सेकेंड में संक्षिप्त गायन विधि आपको करना है। प्रथम प्रयोग इसका कब हुआ था, 26 दिसंबर 1911 ईस्वी को कांग्रेस का कलकत्ता अधिवेशन में पहली बार जो है इसको गाया गया था। 24 जनवरी 1950 ईस्वी को राष्ट्रीय गान द्वारा जो है इसको मान्यता प्राप्त है। राष्ट्रगीत क्या है, वंदे मातरम जो हमारा है वो राष्ट्रगीत है, और संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त है 26 जनवरी 1950 ईस्वी को इसको जो है अपनाया गया था। इसी दिन राज्य चिन्ह भी अपनाया गया था, सॉरी राष्ट्रीय चिन्ह अपनाया गया था, राज्य चिन्ह नहीं। भाषा जो थी प्रथम 2 जो है संस्कृत में है, शेष जो है बंगाली भाषा में है। प्रथम 2 इसके जो है पद जो है वो संस्कृत भाषा में है, शेष बंगाली भाषा में है। रचनाकार बंकिम चंद चट्टोपाध्याय, संगीतकार इसका कौन था, यदुनाथ भट्टाचार्य जो है संगीतकार है, और इसको गायन अवधि जो है 65 सेकेंड में गाना चाहिए, और प्रथम प्रकाशन आनंद मठ ने प्रकार से इसका प्रथम प्रकाशन किया गया था।
अंग्रेजी में इसका अनुवाद जो है अरविंद घोष ने किया है। आनंद मठ, तिथि क्या थी, 1882 ईस्वी में आनंद मठ का जो है प्रकाशन किया गया था। आनंद मठ था बंगला भाषा का प्रमुख उपन्यास है और लेखक इसके बंकिम चंद चट्टोपाध्याय है। वंदे मातरम जो है एक प्रकार से आनंद मठ से लिया गया है। 1896 ईस्वी में कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में यह पहली बार गाया गया था। कौन राष्ट्रीय गीत की बात कर रहे हैं, तो ये 1896 ईस्वी कलकत्ता में जो पहली बार अधिवेशन हुआ था उसमें यह गाया गया था। 26 जनवरी 1950 ईस्वी को संविधान द्वारा इसको मान्यता प्राप्त है। राष्ट्रीय चिन्ह जो है वो अशोक चिन्ह है, अशोक चिन्ह है संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त 26 जनवरी 1950 को। प्रारूप जो है सारनाथ स्थित जो है अशोक स्तंभ से इसको लिया गया है। संरचना की बात करें तो मूल रूप से इसमें चार शेर हैं, इसमें मूल रूप से चार शेर हैं जो बैठे हुए दिखाए गए हैं, पीठ जोड़ के एक प्रकार से मतलब बैठे हुए दिखाए गए हैं, जैसा कि आप देख रहे होंगे। ये दो इसी के पीछे एक और है और ये के तीन चार, तो सारनाथ अशोक स्तंभ से लिया गया है। मूल रूप से इसमें चार शेर हैं, चारों दिशाओं में मुंह करके ये क्या है बैठे हुए हैं एक प्रकार से, यहाँ लिखा है खड़े हुए हैं, लेकिन खड़े हुए उनकी मुद्रा जो है ऐसी नहीं होगी, ये एक प्रकार से जमीन में करके एक प्रकार से बैठे हुए हैं, पीठ को एक प्रकार से अपनी जो है टच करके। इसके बाद जो है उसको खड़ी हुए खड़ा हुए मतलब पोजीशन भी आप मान सकते हैं कि इनकी जो है खड़े हुए पोजीशन है। और इसके नीचे जो है गोल आधार पर जो है क्या किया गया है, गोल आधार पर इस तरह जिस तरह से चार पशु बने हैं, कौन कौन से चार पशु बने हैं, हाथी बना है, एक तो हाथी बना है, एक सांड बना है और एक क्या बना है, एक दौड़ता हुआ घोड़ा बना है, एक सिंह बना है। ये देखिए यहाँ पे एक जो है प्रकार से एक सांड बना दिखाया गया, एक जो है दौड़ता हुआ घोड़ा दिखाया गया है और इसी के पीछे जो है एक हाथी दिखाया गया होगा इधर, और इधर एक क्या दिखाया गया, एक सिंह दिखाया गया है। हर पशु के बीच में एक धर्मचक्र प्रवर्तन बना है, ये देखिए धर्मचक्र प्रवर्तन हर पशु के बीच में बना है। और सत्यमेव जयते, सत्यमेव जयते फलक के एक प्रकार से नीचे मंडूकोपनिषद से जो है लिया गया, सत्यमेव जयते देवनागरी लिपि में लिखा है, देवनागरी लिपि में लिखा है जैसा कि आप देख रहे होंगे, ये देवनागरी लिपि में इसको जो है लिखा गया है। और इसका अंकित है जिसका अर्थ होता है कि सत्य की ही विजय होती है। रंगों का प्रयोग जो है लाल रंग राज्यसभा और हरा रंग जो है लोकसभा, मतलब ये स्थान बता रहा है कि लाल रंगों का प्रयोग कहाँ पे है, तो लाल रंग जो है राज्यसभा के लिए, हरा रंग लोकसभा के लिए, नीला रंग जो है वो मंत्रिमंडल के लिए स्थान दिया गया है इनको। लाल रंग के एक प्रकार से राज्यसभा को स्थान दिया गया है, हरे रंग को लोकसभा को स्थान दिया गया और नीला रंग जो है मंत्रिमंडल को स्थान दिया गया है। राष्ट्रीय कैलेंडर कौन है, राष्ट्रीय शक संवत जो है प्रकार से राष्ट्रीय साके या शक संवत भी इसको बोलते हैं। संविधान द्वारा 22 मार्च इसको जो है 22 मार्च 1957 ईस्वी को चैत्र 1 1879 ईस्वी को इसको जो है लिया गया था। 78 ईसा पूर्व जो है ये लिया गया था, 78 ईस्वी पूर्व जो है आया था, मतलब ईसा मसीह के जन्म के 78 वर्ष बाद। और इसके पहले जो है विक्रम संवत आया था, विक्रम संवत आया था वो 57 ईसा पूर्व आया था, तो उधर का 57 और इधर का 78 जोड़ दीजिए तो 135 आ जाएगा। कांग्रेस के महत्वपूर्ण अधिवेशन कौन कौन से हुए थे, 12वें अधिवेशन में जो जो इम्पोर्टेंट हैं वो बता दे रहे हैं, क्योंकि इन इम्पोर्टेंट में कुछ जो है फैक्ट्स में जो कुछ जो है गीत लिए गए, कुछ राष्ट्र गीत गाए गए, तो वो एग्जाम में क्वेश्चन पूछ देता कभी कभी। तो 12वां अधिवेशन 1896 में जो कांग्रेस का हुआ था कलकत्ता में, रहमतुल्ला सयानी ने जो इसको एक प्रकार से क्या थी अध्यक्ष थे। और वंदे मातरम यहाँ पे गीत पहली बार गाया गया था 16 अक्टूबर 1905 ईस्वी को, वंदे मातरम राष्ट्रगान एक प्रकार से बना। बंगाल विभाजन के समय राष्ट्र वंदे मातरम राष्ट्रगान की तरह गाया गया था, ये नारा बना था इस समय। इसमें जो है अधिवेशन 1911 ईस्वी में कलकत्ता का जो हुआ था, बुमरा नारायण धर जो है इसके अध्यक्ष थे।
यहाँ पे जो है भारत का राष्ट्रगान गाया गया था, जनगण मन से बोला जाता है। और यहाँ पे बात करें 45वां अधिवेशन जो 1929 ईस्वी में हुआ था लाहौर में, जवाहरलाल नेहरू ने पूर्ण स्वाधीनता का लक्ष्य इन्होंने पारित किया था कि हम 26 जनवरी 1930 तक भारत को स्वतंत्र घोषित करेंगे, कर लेंगे। और 31 दिसंबर 1929 को मध्य रात रावी नदी के तट पर भारत का इन्होंने तिरंगा फहराया था। इसके बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस आया, इसके बारे में दोस्तों हम नेक्स्ट डे बात करेंगे। वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।